हेलो गाइस, नमस्कार। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। गाइस देखो, आषाढ़ का महीना लग गया है, यानी कि हमारे वहाँ जुलाई का महीना लग गया है। बारिश शुरू हो गई है और लोगों की रुपाई शुरू हो गई है। लोग रुपाई ने लगाने लग गए हैं। मैंने नाश्ता में बनाई रिया के लिए पकौड़ी। अच्छा, मैंने स्पेशली मेरे लिए स्पेशली रिया के लिए बनाए ये। और मैं चाय बना रही हूँ अपने कॉफी। अब वो कॉफ़ी बना रही है अपने लिए पकौड़े के साथ खाने के लिए। खेत खलियान दिख रहे हैं, वहाँ पर सामने से रुपाई लग रही है। औरतें रुपाई लगाने लग गई हैं जगह जगह पे, वो देखो। और मैं भी यहाँ पे आई हूँ व्यू लेने के लिए। और देखो हमारे पहाड़ के वन कितने अच्छे लग रहे हैं। पेड़ पौधे और हरी घास, देखो इतना सुंदर मौसम। और परसों तक बिल्कुल सूखा पड़ा था तो रास्ते में कीचड़ हो रखा है, पानी हो रखा है, तो मैं ज़रा सफल के जा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को जाने में टाइम लग रहा है। पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही है कि कहीं पर तो दीवारें भी गिरने लग गई हैं। ये देखो दीवारें भी गिरने लगी हैं, इतना बरसात हो रही है कि दीवारें कई महीनों से सूखी पड़ी थी तो भीगते भीगते वो भी। तो ये भैया यहाँ पर खोद रहे खेत बना रहे हैं रुपाई के लिए, और इन्होंने एक दो खेत बना दिए हैं। यहाँ पर लग रही है रुपाई, फिर रुपाई लगा रहे हैं यहाँ पे साथ में। देखो गाइस, इतनी मेहनती होती हैं हमारी पहाड़ की महिलाएं और लड़कियां, साथ में आदमी लोगों को भी यहाँ पे लगना पड़ता है। पहले महिलाएं जाती हैं काम करने के लिए और आदमी लोगों को भी लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे काम होता है। और ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से रुपाई लग रही है। আমার ছাতনি ধরিয়া আলো দে আই, হ্যাঁ হো আলো দেউ দেউনি লহর না कांचा तुम सेड़ू को। गाइस फिर आने वाली है बारिश, फिर बादल बरसने लग गए हैं। थोड़ी देर में फिर लगती है बारिश और यहाँ पे रोपाई हो रही है, धान रोपण हो रहा है। देखिए गाइस, पहाड़ों में इस तरह उठ रहे हैं बादल।
में भी जरा ठंडक मिल रही है यहाँ पे पहाड़ों में। कई प्रकार के अब यहाँ पे औरतें बैठते चाय पानी पीते हुए। गाइस बरसात का पानी मिलने से गमले के फूल भी सुंदर हो गए हैं। ये मेहंदी का पेड़ है और ये गेंदे का फूल है, अभी फूल नहीं लगे हैं इसमें। और ये देखिए ये खिल गए हैं, ये मोर पंखी का है। और ये देखो चाय पानी पीते हुए औरतें। स्ट्रॉबेरी का पेड़ है और देखो इसको बरसात का पानी मिलते इसमें अपनी वेल फैला दी है, टहनियाँ फैला दी है।